नमस्कार, हमें रोहित रहुआ देखते नहीं मैच बॉक्स। आज के समय में बाल झड़ल अभी साफ हो गई बटे। आजकल देखा जाता है कि पहले के पुरानिये लोग के बाल ना झड़ते रहे जल्दी, वो लोग 80 बरिस के हो जाते रहे तब बाल उजर हो जाते, लेकिन झड़ो ना। लेकिन आज के समय में लगभग 25 साल से अगर शुरुआत करी तो 25 साल से लेकर 40 बरिस के उम्र के बहुत सारा युवा ऐसा लोग बटे जेकर बाल झड़ गई बटे और शादी विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखी बाल एक हमसे का महत्वपूर्ण अंग हटे और भगवान हमसे को एगो नेचुरली देले बाड़े। अगर ये झड़ जाए तो इंसान डिप्रेशन में चल जाला, अगर जीवन एक तरह से मतलब हम कहीं तो अभी साफ खानी जिएला, कहीं भी जाला तो लगेला कि हमारे स्मार्टनेस खो गई बटे, हमारा जन चेहरा के रूहानी जन बाल होला वो खत्म हो चुकल बटे। एगो वरदान साबित हो रहा बानी डॉक्टर एम के सिद्दीकी जौन गोपालगंज डेंटल एस्थेटिक केयर सेंटर यहाँ के खुलल बाटे, जौन हम पता बता देवे के चाहत नहीं, जौन सदर अस्पताल के गेट के ठीक सामने मौजूद बाटे। चलिए डॉक्टर साहब से बात करे के प्रयास करते नहीं कि आज के समय में कैसे उ तमाम सभी नौजवान के एगो वरदान साबित होता नहीं जिकर बाल झड़ जाता टे और बाल के फिर से रिमूव कर देते। सबसे पहले स्वागत करते हैं जी, आपका स्वागत है। मतलब कैसे, मतलब ये तो पहले हम सुनते नहीं कि दिल्ली में, पटना में, बड़ा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये सब कार्य होता, गोपालगंज में कैसे शुरू हो गए? जी, गोपालगंज में लगभग एक साल से शुरू है ना, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट अच्छे खासे हो गए हैं मेरे यहाँ, है ना। बाल अगर आपका झड़ रहा है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कारण क्या है, बाल झड़ रहा है तो कारण क्या है और इसका नेचुरल ग्रोथ हो सकता है या नहीं। मशीन है, है ना, मशीन है, उससे हम लोग देख के ये पता कर पाते हैं कि आपका बाल फिर दोबारा आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो या हेयर ट्रांसप्लांट करना होगा या नेचुरल आ जाएगा, फिर जैसा होता है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब आप ट्रांसप्लांट भी करते हैं और नेचुरली अगर जमता है तो वो भी करते हैं? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा अब मतलब लगभग कितने लोग आ चुके हैं, क्योंकि बाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक तरह से चेहरे का रूहानी है, मतलब जैसे जीवन है वैसा बाल है जी, क्योंकि बहुत अधिकतर उन लोगों से हम लोग पूछते हैं जिनका बाल नहीं है, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उनका लगता है कि जीवन व्यर्थ है, मेरा स्मार्टनेस ही खो गया। जी, अभी मेरे यहाँ एक पेशेंट है, अभी मैं उनका देख रहा हूँ कि खड़ा देख सकते नहीं कि ये कैसे जन हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब हेयर फॉल, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। हाँ, अभी ये मेरे यहाँ तीसरी बार आए हुए हैं। हाँ, जो कि देखते नहीं, मशीनरी में साफ तौर पर दिखाई देता टे कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा इनका ग्रोथ है, बाल के ग्रोथ बाटे काफ़ी अच्छा बाटे। और देखिए सर, कितना पॉसिबिलिटी है मतलब अभी इनका? इनका तो 100% रिकवर हो जाएगा, 100% रिकवर हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैसे मतलब पता चल पा रहा है, थोड़ा ये स्क्रीन में बताइए। इसमें हम लोग देख पाते हैं कि जैसे में कि आप देखिए यहाँ पतला पतला हेयर दिख रहा है। पतला है ना, इसमें हम लोग जीएफसी करेंगे। हाँ हाँ। तो और जीएफसी करने के बाद ये बाल मोटा हो जाएगा और हाँ हाँ। और नया ग्रोथ भी आएगा। हाँ हाँ। तो ये सब पहले इनकी बाल नहीं हुआ करते थे इसमें। हाँ हाँ। जो कि पिछली बार, जो पहली बार इन्होंने आया था मेरे यहाँ, लेकिन अब ये बाल दिख रहे हैं और इनका बाल और पहले से घना भी हो गया है। अच्छा, बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं कैसन बाब रिजल्ट। रिजल्ट तो सर बहुत बढ़िया बा, जैसे कि हमारा पता लागल कि डॉक्टर एम के सिद्दीकी का क्लिनिक जो है यहाँ सदर गेट के सामने, स्किन पर बहुत अच्छा रिजल्ट पब्लिक से भी मिल रहा था, तो मुझे पता मिला कि यहाँ बाल का बहुत बढ़िया से इलाज होता है, तो हम आए यहाँ और एक राउंड, ये तीसरी राउंड है जिसमें हमारा बाल झड़ना बिल्कुल ही बंद हो गया है और बहुत अच्छा ग्रोथ है, और थोड़ा सा जो बाल हमारे गिर गए थे वह भी निकलने लगे। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कितने दिनों में रिकवर हो पाया? रिकवरी ये सर एक सप्ताह में एक बार आना होता है और ये तीसरा सप्ताह है, तो जितना बाल झड़ रहा था वो बंद हो गया है बिल्कुल। अच्छा। और नए बाल भी उगना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। सर हम आते हैं कि कॉज ऑफ सिम्टम्स, तो बाल कैसे झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाल तो सबका सही होता है लेकिन देखा जाता है कि 20 के बाद बाल झड़ना सबका शुरू हो जाता है, आखिर मेन कॉज क्या होता है?
बहुत सारा कॉज है इसका, जैसे में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है किसी का तो भी हेयर फॉल होगा, पॉल्यूशन है तो भी हेयर फॉल होगा, प्रोटीन्स वगैरह की कमी है तो भी हेयर फॉल होगा, शैम्पू तेल अगर आप कुछ गलत यूज़ कर ले रहे हैं तो भी हेयर फॉल होगा, डैंड्रफ हो जाता है तो भी हेयर फॉल होगा, बहुत सारा कारण है इसके हेयर फॉल होने का। सर अभी तक आप कितना रिजल्ट दे पाए हैं इस सुदूर क्षेत्र में गोपालगंज में, यहाँ तक सिवान में भी नहीं है, सारण में भी नहीं अभी है। मैं बताऊँ तो मेरे यहाँ हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया से हेयर और स्किन के लिए पेशेंट आ रहे हैं और स्किन का भी करते हैं। जी जी। और स्किन में क्या, स्किन में मेरे यहाँ जैसे किसी को पिंपल हो गया, पिंपल स्कार हो गए, मेलाज्मा छाई है, दाग धब्बा है, कटे जले का निशान है, ये सारा कुछ लेजर से अपने यहाँ ठीक होता है। लेजर से ही ठीक कर देते हैं? लेजर से ही ठीक होता है। जैसे लड़कियों के दाढ़ी मोछ आ गए, बाल आ गए, अनवांटेड हेयर आ गए, वो हम लोग लेजर से परमानेंट हटा देते हैं। दाढ़ी मोछ आ जाता है बहुत सारे लड़कियों का देखा जाता है, या फिर लड़कों में भी देखते हैं ना कि हम लोग कॉलेज टाइम में अपने से शेविंग करते हैं तो बाल यहाँ तक पहुँचा देते हैं शेविंग करते करते, तो हम लोग बियर्ड शेपिंग भी करते हैं, वो परमानेंट जो एक्स्ट्रा आपका बाल है जो नहीं चाहिए वो परमानेंट रिमूव हो जाता है, फिर दोबारा कभी नहीं आता। जी देखिए आजकल ट्रेंड चलल बा नौजवान युवा लोग साथी के कि टैटू गोदवाओ तो लो, माथा पर टैटू गोदवाओ तो लो, छाती पर टैटू गोदवाओ तो लो, कहाँ कहाँ टैटू गोदवाओ तो लो, और बाद में परेशानी हो जाला तो यो एहू चीज रिमूव होला। और जिकर पिंपल्स बटे डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर साहब एक बात जानने के चाहता नहीं कि अगर हम टैटू छपवाला तो हे जी, जी। देखा जाता कि हे ना छपवाल जाता, यहाँ तक कि भोजपुरी गीत में बहुत सारा देखा जाता कि प्राइवेट पार्ट पर भी ऐसे हे ना छाप दिया जाता जी, बिल्कुल, उकर, बिल्कुल। उकर का मतलब साइड इफेक्ट का बा? देखिए टैटू का साइड इफेक्ट अगर प्रॉपर उसका जो इंक होता है और जो नीडल है न्यू नीडल्स हो रहा है तो फिर उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आपने बनवा लिया अब आपको पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आर्मी में जाना है, हाँ। तो वहाँ आपका रिजेक्ट होने का कारण टैटू बन जाएगा। अब उस समय क्या है कि क्लाइंट जो भी है बनवा लिया है अब उसको हटाना है, तब हटाने के लिए हम लोग के यहाँ लेज़र है, लेज़र से हम लोग हटा देते हैं, उसका कुछ सेटिंग 3-4-5 सेटिंग्स लगते हैं जो कि उसको हम लोग हटा देते हैं और स्किन पहले जैसा हो जाता है, मतलब कोई नहीं किसी को पता हो कि यहाँ टैटू बना था वो देख के ये नहीं बता पाएगा कि यहाँ कभी टैटू भी था, ऐसे टैटू हटने के बाद स्किन पहले जैसा हो जाता है। अच्छा, और पिंपल्स के बारे में बता रहे थे कि दाग धब्बा हो जाता है बहुत सारे, अब क्या होता है कि पिंपल क्या होता है ना कि पिंपल आपको हो गया बड़ा सा हो गया तो क्या होता है कि लोग उसको फोड़ देते हैं, फोड़ने के बाद क्या होता है कि वो दाग हो जाता है, काला काला दाग हो जाएगा या फिर वहाँ गड्ढा गड्ढा हो जाता है ना, तो उसका भी हम लोग के यहाँ इलाज है, गड्ढा भी भर जाता है, दाग भी ख़त्म हो जाता है, अगर पिंपल आपका ठीक नहीं हो रहा है तो उसका इलाज है, वो पिंपल भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फीस है आपका कैसे करते हैं, मतलब अगर कोई गरीब है, अगर कोई मतलब उसमें कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई भी चाहता है कि मेरा सस्ता में इलाज हो, बेहतर हो, क्योंकि मुझे दूर नहीं जाना पड़े, मेन यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि लोग के मन में मिथ है कि बाल अगर ट्रांस दिखाने जाते हैं तो बहुत सारा रुपया लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो आप बाहर कहीं जा रहे हो, आप लखनऊ दिल्ली जा रहे हो तो फिर 1 लाख से ऊपर ही आपका खर्च आता है, उससे कम में तो कोई चांस नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ मैक्सिमम 70,000 तक हो जाता है। 70,000 में हो जाता है मैक्सिमम। और जो हेयर फॉल हो रहा है इसका निदान के लिए? वो तो बहुत कम है उसका, 400 रुपये मेरा कंसल्टेंसी है, बाकी जो ट्रीटमेंट होता है, दवा होता है, वो आपका होता है, PRP GFC होता है, उसका अलग चार्ज होता है, जो कि दिल्ली में हम जब थे उस समय 4,000-4,500 रुपये हम लोग लिया करते थे, अभी अपने यहाँ तो 50% से भी कम है। 50% से भी कम है। देखिए ये जन हॉस्पिटल बाटे वरदान साबित होता है, रवा आई ऐसे आई कि अगर रवा जिंदगी से प्यार बात देखा जाएगा कि वैवाहिक जब शादी होला, लड़का लड़की जब लड़का जाले देखौतियों में नू तो पता चलल कि बाल झड़ल बा, तो लड़की कह लेते चंडूल बा भाई एक बियाह ना करूँ, तो बड़ा लाजा महसूस होला, तो जेकर भी बाल झड़ता है ऐसा बात नहीं है, जेकर भी बाल झड़ता है एक बार जरूर आई डॉक्टर साहब के पास, नंबर और पता दे देता नहीं और आई और अपन ट्रीटमेंट बेहतर ढंग से कराएं।